आर्किटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। वैसे कैसी लगती है हमारी खबरें, कैसे लगते हमारे वीडियोस, नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी बताइए। पर आज भी आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें, आपको सुनने में मजा आएगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली ही बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, क्योंकि हम इसी तरीके से रोजाना आपके लिए वीडियोस जो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की भी टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन ब्रांड से, जहां पर भी काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट निकल कर बाहर आ चुकी है क्वार्टर 3 2024 में। आपको पता है नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड कौन से? पर नंबर वन पर एज यूजुअल सैमसंग देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद सरप्राइजिंग दोस्तों बात यह कि हर बार एप्पल आता था, अनफॉर्चुनेटली एप्पल के आगे अब आ चुका है शाओमी, यानी कि शाओमी सेकंड नंबर के लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। ये वाकई काफी अच्छी बात है। वैसे आप हमें ये बताइए दोस्तों, आप शाओमी स्मार्टफोन ब्रांड पर ट्रस्ट करते भी हो या नहीं? हुआवे की बात करें दोस्तों, भाई हुआवे वॉच D2, ये जो स्मार्ट वॉच है जिसके फुल स्पेसिफिकेशंस, रेंडर्स एंड प्राइसिंग निकल कर बाहर आ चुके हैं। अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो 1.82 इंच के में बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, AMOLED डिस्प्ले, यस, अप टू 120 आवर्स के में बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। ब्लूटूथ वर्जन 5.2, NFC, GPS, मल्टीपल स्पॉट मोड, मल्टीपल स्मार्ट वॉच पीसेस भी देखने को मिलेंगे, तरह तरह के हमें सेंसर्स भी देखने को मिलने वाले। वैसे ये स्मार्ट वॉच की एक्सपेक्टेड प्राइस कही जा रही है 399 यूरोज रहेगी। पर खैर, बात तो ये है दोस्तों कि इनके जो प्रोडक्ट्स है जिसे भारत में लॉन्च किया नहीं जाता। ओप्पो की बात करें दोस्तों, ओप्पो फाइनली अपनी कलर ओएस 15 का अनाउंसमेंट करने वाला है 17 अक्टूबर को। वैसे वाकई काफी अच्छी बात है। अब देखना तो ये है दोस्तों कि भाई ये जो कलर ओएस 15 की अपडेट है जो कि हमें सबसे पहले ओप्पो के कौन से स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। रेडमी की बात करें दोस्तों, रेडमी नॉट 14 सीरीज जिसका फर्स्ट लुक निकल कर बाहर आ चुका है, खुद से देख लीजिए। वैसे दोस्तों, देखने से तो पता लग रहा है कि इस बार रेडमी नॉट 14 सीरीज में हमें दोनों ही स्मार्टफोन में IP68 की रेटिंग देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसी के साथ हमें 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ आने वाला कैमरा देखने को मिलेगा। एंड रेडमी नॉट 14 प्रो ये जो स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S जेन 3 चिपसेट देखने को मिलेगी। हालांकि रेडमी नॉट 14 प्रो प्लस ये जो स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7350 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों रेडमी नॉट 14 सीरीज में इस बार हमें क्या कुछ नया खास देखने को मिल जाता है। YouTube की बात करें दोस्तों, YouTube कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी कुछ नए चेंजेस करने वाला है। जी हाँ, स्पेशली क्रिएटर्स के लिए जो कि भी वीडियो बनाते हैं हमारे तरह, इन सभी के लिए वो हेल्प करेगा भाई उनकी जो कम्युनिटी है उसे बिल्ड करने के लिए, वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए कुछ इस तरीके से। तो ये जो डिफरेंट टूल्स हमें देखने को मिलेंगे जिसमें AI का इस्तेमाल काफी ज्यादा ही होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों यूट्यूब बन जाएगा मोस्ट पावरफुल कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म। वैसे अब देखते हैं दोस्तों ये सारे जो चेंजेस है हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाते हैं। आईको की बात करते हैं दोस्तों, आईको Z9 टर्बो प्लस ये स्मार्टफोन 24 सितंबर को लॉन्च होने वाला है चाइना में। वैसे लॉन्चिंग से पहले दोस्तों एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस निकल कर बाहर आ चुके हैं ये स्मार्टफोन के। अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो 6.78 इंच के में 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आने वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। 50+8 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, हालांकि 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा। 6400 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जी हाँ, वो भी 80 वाट के वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। वैसे यही स्मार्टफोन की प्राइस कही जा रही है दोस्तों 2299 चीनी युआन हो सकती है, यानी कि अप्रोक्सिमेटली 27,100 रुपीस के आसपास अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करें तो। अब देखते हैं दोस्तों आईको Z9 टर्बो प्लस ये स्मार्टफोन को किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है चाइना में और ये हमें कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाता है। दोस्तों Amazfit की बात करते हुए, Amazfit ने फाइनली Amazfit T-Rex 3 ये जो स्मार्ट वॉच है जिसे लॉन्च कर दिया है भारत में। वैसे ये स्मार्ट वॉच के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो 1.5 इंच के में डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी AMOLED डिस्प्ले, वो भी 2000 nits के ब्राइटनेस के साथ। जी हां, सोचिए, इसी के साथ मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबल बिल्ड देखने को मिल जाएगा, अप टू 27 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, मल्टीपल स्मार्ट मोड, मल्टीपल स्मार्ट वॉच फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, GPS भी देखने को मिलने वाला है। और ये स्मार्ट वॉच की अगर कीमत की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो भारत में रखे 19,999 रुपीज। वैसे अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसके प्री बुकिंग शुरू हो चुके हैं अमेजोन पर, तो आप इसे जरूर से अमेजोन पर प्री बुक कर सकते हो।
नथिंग की बात करें दोस्तों, भी नथिंग अपनी कुछ नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला है 24 सितंबर को, जहां पर नथिंग ने खुद से इसे टीज किया हुआ है। वैसे दोस्तों कुछ लीक्स एंड रूमर्स तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये डे पर हमें देखने को मिल जाएंगे नथिंग के नए TWS, जिसका नाम नथिंग ये ओपन रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेट्स सी। Vivo की बात करें दोस्तों, एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए Vivo के ओर से। Vivo V40e ये स्मार्टफोन हमें बहुत ही जल्दी भारत में देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों लॉन्चिंग से पहले भी ये जो स्मार्टफोन है, जिसका 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आने वाला वेरिएंट होगा, जिसके प्राइस हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं 28,999 रुपीज प्राइस होने वाली है। अब देखते हैं दोस्तों स्मार्टफोन को किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है। काम के डील की बात करें दोस्तों, अगर आपको चाहिए बजट कैटेगरी का 5G स्मार्टफोन, वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड का, तो जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। दोस्तों सैमसंग के और सैमसंग गैलेक्सी A14 5G अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल जाएगा। वैसे इसी के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, 6.6 इंच की हमें FHD डिस्प्ले पर देखने को मिलने वाली है 90Hz के रिफ्रेश के साथ। Exynos 1330 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। 50MP का मेन रियर कैमरा होने वाला है। 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। वैसे ये स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो दोस्तों कहा जा रहा है Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डे सेल में ये आपको देखने को मिल जाएगा अंडर 10,000 रुपीज में। तो भाई वाकई काफी बेहतरीन डील है, मैं तो कहूंगा किलर डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, ग्रिडफॉल 2 द डाइंग वर्ल्ड ये जो अपकमिंग टाइटल है जो कि 24 सितंबर को रिलीज होने वाला है। वैसे दोस्तों ये जो गेम है जो कि मैं PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Microsoft Windows यानी कि PC पर भी देखने को मिलेगी, और ये ओपन वर्ल्ड गेम रहने वाली है। रोल प्लेइंग गेम रहेगी, एक्शन फाइटिंग गेम रहेगी, एडवेंचर गेम रहेगी। अगर आपको भी इस टाइप की गेम खेलने का मजा आता है तो गेम आपके लिए काफी बेहतरीन होगी। वैसे आप हमें ये बताइए कि भाई आपकी सबसे पसंदीदा रोल प्लेइंग गेम कौन सी है, चाहे PC पे, चाहे कंसोल पे, चाहे स्मार्टफोन पे, जो भी गेम आपको पसंद कमेंट में बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।